बस ये मेन रोड पे विशेष तरीके से यहाँ पे ये त्रिवेश्वरू लोक है और बैकुंठ द्वार। तो ये मेन गेट का आकार कुछ इस तरीके से मंदिर के आकार में बना हुआ है, तो इसके अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे क्या चीज़ है कैसे है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। गाइस मैं आपका मित्र चंदन आपको फिर एक ब्लॉग वीडियो में मिलते हैं। और गाइस ये मैं जो कि आया हूँ आजमगढ़, और आजमगढ़ जो कि ये कुछ इस तरीके से विष्णु लोक वैकुंठ द्वार है, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा, तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसके अंदर, और ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और मेन गेट पे ये कुछ इस तरीके से बोर्ड लगाया गया है, श्री विष्णु लोक वैकुंठ द्वार राम जानकी मंदिर मौनी अमावस्या शुभ अवसर पे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं बसंत पंचमी पर भंडारा कुछ दिनांक ऐसा था है, तो ये समय जो कुछ वैसा है, और ये इसमें आप सागर आमंत्रित हैं कुछ इस तरीके से। तो चलते हैं अंदर, ये राज का मेन द्वार। अंदर जाने पे कुछ इस तरीके से ये दिखता है, और दीवार पे कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं इस प्रकार में। और ये सामने ये जो मंदिर है इससे कुछ श्री गणेशाय नमः, और ये हनुमान चालीसा और रामचंद्राय नमः कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, और ये रहा कुछ मेन मंदिर, और यहाँ पे बाबा जो है सोए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ महिलाएं उसी तरीके से कीर्तन कर रही हैं। और ये यहाँ पे यह क्या देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बिल्डिंग का आकार कुछ इस तरीके दिखेगा, और ये कुछ मंदिरें रहे दिखाऊंगा कैसा है कौन से बिल्डिंग से है। और ये मेन गेट का जो बगल से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए कुछ ऐसा बना हुआ है। और इधर मंदिर के दाएं तरफ ये रसोई घर है, और ये बगल में ये दो बाबा का प्रतिमा है। मैं दिखाता हूँ ये राम सिंह का नाम, और मूर्तियाँ ऐसी है। और ये रहा ये मेन गेट के अंदर, जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुआं देखने को मिलेगा, और कुआं पे कुछ और कुआं का आकार कुछ ऐसा है जो कि और गाइस ये रही हवन कुंड जो कि कुछ इस तरीके से है, ये चारों तरफ से बंद है, खुला नहीं है, और ये काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है यहाँ का नज़ारा। तो गाइस ये हमारी ब्लॉग वीडियो इस मंदिर के ऊपर कैसा लगा आप लोग को, और यहाँ पे जो कि ये कुछ मंदिरें मैंने आपको दिखाई, और यहाँ पे जो सामने जो मेन मंदिर था वहाँ पे कीर्तन हो रहा है, और ये आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, जितना मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कैमरा, आपको जितनी भी लिंगे सब ऊँची ऊँची दिख रही हैं, और ये बड़ी बड़ी गेटें ये सब मंदिर परिसर के अंदर का ही है। और यहाँ पे समय समय से जो कि पूजा पाठ होती है, और यहाँ पे भंडारा वंडारा भी चलता रहता है, और यहाँ का रसोई घर भी मैंने दिखाया आपको। तो गाइस ये हमारी जो कि ब्लॉग वीडियो इस मंदिर आश्रम के ऊपर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसी तरीके से मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।